जिला अस्पताल सहित जनपद में 152 केंद्रों पर 51,072 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 45,946 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,126 लोग शामिल रहे। सोमवार को जिला अस्पताल के संक्रमण विभाग एवं महिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने वालों की काफी भीड़ देखी गई। इसके बावजूद वैक्सीनेशन कराने वालों में काफी उत्साह देखा गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार को टीकाकरण के लिए 60,000 के करीब लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सीएमओ ने जनता से अपील किया कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं तथा केंद्रों पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं तथा लाइन में 2 फीट की दूरी बनाकर खड़े रहें और मास्क लगाए रखें। इन्हीं उपायों से कोरोना को मात दे सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कम से कम दूरी बना लो यार, एक एक हाथ की दूरी बना लो। हाँ चलो, इधर देखिए मैं, इधर देखिए, क्या नाम है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, क्या है, रंभा देवी कौन है, वो बुला रही है, आज हमारे ज़िले में 152 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है और आज का लक्ष्य हमारा 60,000 का है। सरकार ने लक्ष्य जो है 57,000 का दे रखा है, हम 3,000 ज़्यादा का लक्ष्य देकर काम कर रहे हैं। सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंच गई है और टीकाकरण चल रहा है और हम लक्ष्य के से ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे आज। सर केंद्रों पर इतना भीड़ को लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहिए? केंद्रों पर भीड़ हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन भीड़ को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। मास्क बिल्कुल ही ना उतारें और अगर लाइन में खड़े हैं तो थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके खड़े रहें। आपके सामने अगर 2 फीट की दूरी है तो उसमें कोई खड़ा नहीं होने जा रहा है, तो आप 2 फीट पीछे खड़ा होइए सामने वाले आदमी से और पीछे वाले आदमी को कहिए कि वो भी 2 फीट पीछे खड़ा हो, जिससे कि दूरी मेंटेन रहे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ऐसे भीड़ भाड़ में ना जाएं और जब कहीं जा रहे हैं तो अपना मास्क जरूर लगा के जाएं।